बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आर एन हेयर एसेसरीज़, जो कि हमारा आर एन हेयर के नाम से अब नया इदारा है, जो आपको गाहे बगाहे मुख्तलिफ वीडियोस में और बालों के प्रॉब्लम्स, वो बाल जो कि आपके लॉस्ट हो चुके हैं, नए बाल जो आप लगा सकते हैं मुख्तलिफ सूरतों में, उसके बारे में आगाह करता रहता है। तो जी आज रज़ा हैं हमारे साथ, जो कि हमें Q6 एक और प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। इससे पहले कि रज़ा आपको प्रोडक्ट के बारे में बताएं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल आइकन के बटन को पुश कर लें, ताकि जो भी नई लेटेस्ट वीडियो आए आप उससे फ़ायदा उठा सकें। तो जनाब रज़ा आज हमें Q6 के बारे में बताएंगे कि वो अप्लाई कैसे किया जा सकता है, उसको रिमूव कैसे किया जा सकता है, उसको मेंटेन कैसे किया जा सकता है। तो रज़ा सबसे पहले आप बताइए कि Q6 है क्या? ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो लोगों को अपने बाल लॉस्ट होने के बाद एक दफ़ा फिर नेचुरल लुक दे सकती है। चलें इसको अनकवर करें, खोलें इसको सबसे पहले। ये जी Q6 प्रोडक्ट, जो कि रज़ा इसको अनप्लग कर देंगे, समझ आइए कि अनप्लग हो रहा है तो ये फिर अब काबू में नहीं आएगा। ये इसका साइज दिखाएंगे, मुख्तलिफ साइजेस में ये अवेलेबल है, 5, 7, 8, 6, 9, 6। ये अभी कौन सा साइज है रज़ा? ये 8, 6 का साइज है जिसका डेमो दे रहे हैं। अच्छा, ये दिखा रहे हैं कि जी इसकी कितनी नेचुरल लुक हो सकती है। इसके जो बाल हैं ये स्विस लेस में है रज़ा जी। अच्छा, स्विस लेस इसकी बेस है जी, और इसका फ्रंट बॉर्डरलेस हो जाएगा जब आप इसको अपनी मेजरमेंट के मुताबिक, हेड स्कल की मेजरमेंट के मुताबिक काट लेंगे। पीछे इसके बॉर्डर है। तो ये जो ब्लीचिंग नॉट्स आप दिखा रहे थे, इसका क्या मकसद है रज़ा? ये नेचुरल लुक देंगे। इट्स अ बिट हैवी, बट इसमें जो आपको भी पाकिस्तान में ज़्यादातर यूनिट्स अवेलेबल हैं वो हैवी लुक्स में हैं। लोग ज़्यादातर डिमांड भी यही करते हैं कि जी इनकी लाइफ ज़्यादा हो, तो जो लोग ये चाहते हैं कि जी हमारे पास यूनिट मैक्सिमम एज तक चल सके, और इस वजह से वो हैवी यूनिट्स मांगते हैं, तो ये वन ऑफ देम। अगर आप स्पेशल ऑर्डर पे बनवाना चाहते हैं तो वो भी रज़ा मिल सकते हैं स्पेशल ऑर्डर पे भी, ठीक है? वो आप अपनी मंशा के मुताबिक, जो आपके रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप मंगवा सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, बट दैट विल बी अ कॉस्टली हेयर पीस। अभी ये जो स्टैंडर्ड पीस है, इसकी स्टैंडर्ड मार्केट में जो अमाउंट है, कंपैरेटिवली रज़ा उसको कम अमाउंट पे भी देते हैं। तो जी ये यूनिट इन्होंने बाहर निकाल लिया उस पॉलिथीन से जिसके अंदर ये था। अब रज़ा इसको अप्लाई करने के तरीके भी बता दें। सबसे पहले जो ग्लोबली चल रहा है मुख्तलिफ जगहों पे, इसको अप्लाई करने के लिए दो तरह की टेप मार्केट्स में अवेलेबल हैं जो दुनिया भर में इस्तेमाल की जाती हैं। एक टेप जो कि जिसको हम कहते हैं नॉर्मल टेप, दैट इज़ अ हार्ड टेप, स्ट्रिप में अवेलेबल है हमारे पास, जिसको अक्सर लोग कहते हैं कि जी ये लेस रिलीज करती है, दिस इज़ वन ऑफ देम। ये स्ट्रिप में अवेलेबल है, आप इसके साथ भी इसको अटैच कर सकते हैं, बट द बैड थिंग इज दोनों के अपने प्लस एंड माइनस हैं। अगर आप इसको रिलीज करने के लिए, उतारने के लिए इस्तेमाल करेंगे इस टेप को, तो अगर आपको पीरियड थोड़ा ज़्यादा हो गया इसको यूज़ करते, तो आपको फिर मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स और चीज़ें यूज़ करनी पड़ सकती हैं। अदर टेप इज़ लिक्विड टेप, जो कि दुनिया भर में अगेन यूज़ की जाती है लिक्विड फॉर्म में। रज़ा दिखाएं वो कौन सी टेप है, कंपनी का नाम अभी नहीं बताएंगे रज़ा, क्योंकि रज़ा ने कहा कि जी ब्रांडिंग हो जाएगी, जब तक मुझे पैसे नहीं मिलेंगे तो इस ब्रांड की मैं मशहूरी नहीं करूँगा, और बात भी जायज़ है। इस जो टेप को भी हम यूज़ कर सकते हैं, और ये लिक्विड टेप है जी, मुख्तलिफ ब्रांड्स में अवेलेबल है दुनिया भर में, आप लोकल भी ले सकते हैं और इम्पोर्टेड भी ले सकते हैं। अगेन ये कोई बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, आपकी सेहत और आपकी हिफाजत से ज़्यादा कॉस्टली चीज़ें नहीं होती। ऑलवेज़ आप वो चीज़ यूज़ करें जो कि आपकी सेहत के लिए बेहतर है। अब ये तो अप्लाई करने का तरीका है रज़ा, अगर ये अप्लाई कर ली तो स्कल्प पे पहले अप्लाई करेंगे, या इसको इसी पे लगा के भी, यूनिट के ऊपर भी लगाया जा सकता है, इसके ऊपर भी लगाया जा सकता। दोनों चीज़ें हो सकती हैं एज पर योर कन्वीनियंस। ले जी अगर किसी ने अप्लाई कर दिया, आप ये डमी पकड़ें, ज़रा डमी पर रख के दिखाएं, अगर किसी ने अप्लाई करना है, उसने टेप अप्लाई कर ली है, तो सर पे कैसे लगाया जाएगा और फ्रंट पीस को कैसे काटा जाएगा, जो कि एक्सेसिव एरिया, जो ज़्यादा एरिया, ऐसे इसको प्लेस करना है कि जो इसका जो नाक का सेंटर और आपके हेड का एक सेंटर बनता है, एक प्रॉपर एरिया बनता है। समटाइम्स वो 3 आपकी फिंगर्स का स्पेस बनता है, समटाइम्स 4 बनता है, वो डिपेंड करता है कि जी आप कितने फेस की लेंथ और विड्थ के मुताबिक लगाते हैं। तो जी अगर आपने ये अप्लाई कर लिया, तो अब उसके बाद रज़ा रिमूव करने का तरीका भी बता दें, ठीक है? ये अप्लाई करने का तरीका उन्हें बताया। किसी टाइम हम ये भी करेंगे कि किसी हमारे जो क्लाइंट यहाँ पे आएंगे Q6 लगाने के लिए, उन पे अप्लाई करके भी दिखा देंगे।
तो अब इसको रिलीज करने का तरीका जो कि बड़ा सादा से बहुत मुश्किल नहीं है, सबसे पहले लगाएंगे इसमें रैपिड रिलीज. दिस इज रैपिड रिलीज अवेलेबल विद द डिफरेंट नेम्स इन द मार्केट. आप मुख्तलिफ नामों से मुख्तलिफ तरह के मुख्तलिफ क्वालिटी के ले सकते हैं. सबसे पहले इसको अप्लाई करेंगे आप इसकी नेट पे. नेट पे अगर आपने टेप लगाई है अदर वे राउंड, बालों वाली साइड से करेंगे, जिसकी वजह से ये फौरी तौर पे लेस को रिलीज कर देगा. आइदर आपने इस पे लिक्विड टेप लगाई है और अगर आपने इस पे हार्ड टेप लगाई है. तो जी ये आपका रैपिड रिलीज सबसे पहले अप्लाई किया. इसके बाद आप लगाएंगे एक और चीज जिसको कहते हैं लेस रिलीज. क्योंकि नॉर्मली हमारे यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, 8 से 9 माह गर्मी पड़ती है हमारे पाकिस्तान में या ऐसे एरियाज़ में या जिस ऐसे मुल्क में आप रहते हैं जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपको लेस रिलीज बहुत ज़रूरी है रखना. आपने इसको सफाई के लिए इसके ऊपर यूनिट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से, और जो इसका बॉर्डर एरिया है जिस पे बहुत ज़्यादा लेस जम जाती है, उतारना मुश्किल हो जाता है, आप इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं. सो जी ये सेकंड पार्ट ऑफ द यूनिट इज कंप्लीट, आपने ये भी कर लिया. अब आपकी स्कल के ऊपर अगर ये लेस है जो कि ठहर चुकी है या यूनिट के ऊपर नेट एरिया पे या बॉर्डर एरिया पे मजीद लेस अभी है, तो आप सॉल्वेंट यूज करेंगे. सॉल्वेंट इज अनदर केमिकल कि जो आपको हाइजीनिकली साफ करने के लिए बड़ा अहम है. ये अगेन मुख्तलिफ नामों से मार्केट में अवेलेबल है, रज़ा के पास भी अवेलेबल है, आप यहाँ पे आएँ यहाँ से ख़रीदें, इसको अप्लाई करें और अपनी स्कल को और अपने यूनिट को साफ करें. ले जी आपने अटैच किया था, आपने लेस रिलीज़ कर ली, आपने टेप रिलीज़ कर ली, आपने अपने आप को साफ कर लिया, सारा प्रोसेस आपको पता चल गया. अब इस सारे प्रोसेस को आप यहाँ पे भी कर सकते हैं आर एन हेयर एसेसरीज पे, या आप अपने घर में भी ये चीज़ें लेके रख सकते हैं और ख़ुद भी सर्विस कर सकते हैं. तो जी ये आज की वीडियो थी, थोड़ी लेंथी हो गई, लेकिन अगर आपने इसका बेनिफिट उठाना है तो इसको कंप्लीट वीडियो को देखें. और अगर आपकी कोई क्वेरीज है, रज़ा का नंबर अवेलेबल है, आप रज़ा से बात कर सकते हैं, मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं. रज़ा भी यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, आबिद साहब भी यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, ये दोनों आपको रिप्लाई भी करेंगे और आपको अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स हैं उसमें हेल्प आउट भी कर सकते हैं. आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, फिर एक और वीडियो के साथ मिलेंगे.